टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें पावर का फॉर्मूला है, पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बस सिंपल है, पी इज इक्वल टू 1/f। तो आपको अगर फोकल लेंथ गिवन है मीटर्स में, आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, उसकी पावर आ जाएगी। पावर के यूनिट्स क्या होंगे, 1/मीटर, नहीं 1/मीटर नहीं बोलते इसको, ऑप्टिक्स में डायोप्टर बोलते हैं, तो डायोप्टर डी से लिखते हैं, होता 1/मीटर ही है पर डायोप्टर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला 1/f। अब पावर 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला से है हमारे पास, 1/f क्या होती है पावर, तो ये बेसिकली फॉर्मूला किसका आ गया, पावर ऑफ द लेंस का। तो P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये पावर का फॉर्मूला है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर उसकी पॉजिटिव है, कंकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर उसकी नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, SI यूनिट पावर के डायोप्टर हैं। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है, 1/1 मीटर क्या कहलाएगी, 1 डायोप्टर। अगर मान लो आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप एक काम करें, फोकल लेंथ मीटर में कन्वर्ट करें पहले 100 से डिवाइड करके। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब एक शॉर्टकट है, अगर तो फोकल लेंथ मीटर में है, फिर तो पावर बस रेसिप्रोकल कर दो, सीधा डायोप्टर आएगा। अगर सेंटीमीटर में है, तो फिर 100/f, मान लो 25 सेंटीमीटर है, 100/25 करोगे तो डायोप्टर आएगा। या अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो एक काम कर लेना, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना, अपने आप डायोप्टर आ जाएगा। तो क्लियर है ये फॉर्मूला डायोप्टर का। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो थिन लेंसेज हैं, मोटे नहीं है, थिन लेंसेज हैं, अगर आपके पास दो थिन लेंसेज हैं और ये ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं, गैप नहीं है इनमें, दिख रहा है नहीं, ऐसा चिपके हुए हैं। अब लेंस कन्वर्जिंग है, ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, दो लेंस की पावर बढ़ गई, ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। तो क्वेश्चन है कि अगर इस ये लेंस लें और ये ऑब्जेक्ट लें, ये क्या करेगा, एक लाइन सीधी, एक लाइन यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, आई डैश पे बनाएगा। तो ये लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, और ये जो लेंस है ये क्या कर रहा है, इस लेंस की बनाई हुई इमेज को ऑब्जेक्ट मान रहा है, और उसकी नई इमेज कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, आई पे शिफ्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेंस ने क्या, मान लो सेकंड लेंस है ही नहीं, तो पहले लेंस के लिए इमेज कहां पर बनेगी, आई डैश पे। अब सेकंड लेंस रख दो, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा और ज्यादा, और शिफ्ट करके कहां करवा देगा, आई पे। तो फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट ओ पे रख के इमेज को कहां बनाने की कोशिश की, आई डैश पे। सेकेंड लेंस ने आई डैश की इमेज को कहां शिफ्ट करवा दिया, आई पे। फर्स्ट लेंस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है, सेकंड लेंस के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और आई इसकी फाइनल इमेज है। तो फर्स्ट लेंस के लिए यू ऑब्जेक्ट है और वी डैश इमेज है, यू ऑब्जेक्ट है, वी डैश इमेज है, और फोकल लेंथ कितनी है, एफ वन। तो 1/f1 का फॉर्मूला 1/v' - 1/u, तो लेंस फॉर्मूला लगा लिया। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वी डैश, और इमेज कहां पर है, वी पे, तो वी डैश से लेके वी पे। तो आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं, सेकेंड की फोकल लेंथ f2 है, इमेज का डिस्टेंस वी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वी डैश है, सेकेंड के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, वी डैश और वी डैश वाली टर्म कैंसिल, आपके पास ये टर्म आ गई। और अगर आप अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, कॉम्बिनेशन ने यू को फाइनली कहां पर शिफ्ट किया, वी के लिए। तो कॉम्बिनेशन के लिए यू ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज वी पे है। तो एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में अगर दो लेंस की जगह एक लेंस बनाएं, तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/v - 1/u - 1/f। ये बॉक्स में डाल लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दो लेंस हैं, दोनों मैंने कन्वेक्स लिए, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की f2 है, मैं दो की जगह एक फोकल लेंथ निकालना चाहता हूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो ये न्यूमेरिकल आएगा कॉम्बिनेशन के ऊपर आज हम करेंगे। न्यूमेरिकल कैसे करना है, बात समझ में आती है, कोई डाउट इसमें? तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने ये अज्यूम किया, एक कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव है, और दूसरा भी कन्वेक्स है सॉरी, तो दोनों फोकल लेंथ पॉजिटिव है। जब तुम न्यूमेरिकल करोगे, अगर एक फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर दूसरा कनकेव निकला तो फोकल लेंथ क्या पुट करेंगे, नेगेटिव, न्यूमेरिकल में नेगेटिव पुट करेंगे। तो यहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे,
तो मान लो दोनों लेंसेज को कंबाइन करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, क्योंकि अगर दोनों कन्वेक्स हैं फिर तो ये फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला वैलिड है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव है तो फिर ये वैलिड है। अब आप ये सोचें कि अगर दोनों की फोकल लेंथ बराबर है, कन्वेक्स और कनकेव की बराबर है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि आपका कॉम्बिनेशन प्लेन ग्लास की तरह काम कर रहा है। जो प्लेन ग्लासेस हैं उनकी फोकल लेंथ जीरो नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि एक फोकल लेंथ दूसरी फोकल लेंथ के इक्वल कर दिया और एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है, तो कन्वेक्स जितना कन्वर्ज करेगा कनकेव उतना ही डाइवर्ज कर देगा और आपकी रेस सीधी निकल जाएंगी। तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट का केस। लेकिन अगर एक कन्वेक्स है कनकेव है और एफ टू ग्रेटर देन एफ वन है तो ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, ओवरऑल कॉम्बिनेशन कन्वेक्स की तरह काम करेगी। और अगर एफ वन बड़ा है एफ टू से तो इसका मतलब ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव का मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन विल एक्ट लाइक कनकेव लेंस। ये न्यूमेरिकल में अपना समझ में आएगा आपको, जो न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने करना है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको न्यूमेरिकली, तब समझ में आएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ। फिलहाल ये फॉर्मूला सबने याद कर लिया कॉम्बिनेशन का, और पावर की फॉर्म में फर्स्ट लेंस की पावर है P1, सेकेंड की पावर क्या है P2, कॉम्बिनेशन की पावर क्या है P, तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या आ गया P1 plus P2। हमने एज्यूम किया कि लेंसेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल चिपके हुए लेंसेज हैं। अगर लेंस में डी डिस्टेंस है, लेंस के बीच में डिस्टेंस अगर डी है, तो फिर ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके बनता है। इसका प्रूफ हमने नहीं करना, ये न्यूमेरिकल में काम भी नहीं आता वैसे तो, पर फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। ज़्यादातर लेंस जो है वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, मीन्स चिपके हुए आते हैं, डिस्टेंस उनके बीच में आता नहीं। तो मैं अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ ताकि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करने पर क्वेश्चन आने वाले हैं।